5G बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर, आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहाँ पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नज़र इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता, सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए मेरे पैर। अमृता ये तुम क्या कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे हो सकता है?
अरे मम्मी जी सच कह रही हूँ, एक बार अगर कोई ये नुस्खा अपना लेना बस मजा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करके देखती हूँ। मुझे सब पता है आंटी जी, ये मेरे साथ हो चुका है इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताती किसी को। कुछ दिनों के बाद अमित अमृता को अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाता है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है, सारा दिन ऑफिस का काम करते रहो, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते अपनी हेल्थ पर ध्यान, सब दे सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है भाभी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे आजकल ना एक से एक एप्लीकेशन है मार्केट में, और जानते हैं उसमें कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी बताते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, मेरा मतलब लैपटॉप पर काम करते करते भी कर सकते हैं। अमृता, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे सब पता है, हर चीज की खबर रखती हूँ मैं, जानते हैं ना आप। लेकिन ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है भाभी? एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाती हूँ। अरे वाकई में भाभी तो सही कह रही है, देखो यार इस पे कितनी अच्छी एक्सरसाइज दिखाई गई है, अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लो, काम भी और हेल्थ भी, वाह भाभी वाह, मजा आ गया। लेकिन अमृता तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो मुझे पता होगा ही ना अमित। मतलब तुम कब ऑफिस में काम करने गई जो तुमने ऑफिस करते करते एक्सरसाइज की? मैं जो किचन में काम करती हूँ अमित, घर के काम वो किसी ऑफिस के काम से काम है क्या? बस मैं भी वो सब करते करते इनमें से कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। सही है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या है, एक दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक किया है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा तो अमृता से पूछ लेना, उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। ठीक कहती है मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अमृता ये थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। अब एक बात बताओ यार, खाली पेपर पर, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी अमित। लेकिन कैसे बहू, इस पेपर पर तो वाकई में कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर है, कैसे क्या पढ़ोगी तुम? अमित एक छोटा सा काम करो, जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। अरे बहू पेपर